not part of the government. Why isn't your party fully joining the government? मेरा जो सवाल है वो फैसल करीम गुंडी साहब से है कि सबसे पहले तो जो आप अभी हुकूमत में आए हैं वो मैंडेट पे ढाका डाल के आए हैं, हम आपको आप हमारे हकीकी नुमाइंदे नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात, अगर आप हुकूमत में आ भी गए, हम पिछले 30 सालों से देख रहे हैं कि आपकी पार्टी और नून लीग आपस में अदला बदला खेल रहे हैं, एक आता है दूसरा जाता है, इन्होंने कभी भी मतलब इस तरह की मुल्क को कर्जे के अंदर डबोते चले गए हैं। अब आप हमें बताएंगे अगर आप बाय चांस आ भी गए हैं हमारे मैंडेट पे ढाका डाल के, तो आप ऐसा कौन सा तीर मार लेंगे कि आपने जो 30 साल में नहीं मारे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे वाकयात तो होने ही होने हैं, जब अवामी उमंगों के बरखिलाफ जाकर लोगों को मुसल्लत किया जाएगा जो कमरों में बैठे हुए चंद लोगों के पसंदीदा होंगे लेकिन अवाम के पसंदीदा नहीं होंगे। यह एक टीवी शो का मंजर है दोस्तों, जहां पर सरेआम एक नौजवान ने खड़े होकर नून लीगियों को कह डाला कि आप हमारे मैंडेट पर डाका डाल कर आए हैं, आप हमारे हकीके नुमाइंदे हरगिज़ नहीं हैं। जरा वीडियो देख लीजिए, लाइक लाजमी कीजिएगा। Why isn't your party fully joining the government? मेरा जो सवाल है वो फैसल करीम गुंडी साहब से है कि सबसे पहले तो जो आप अभी हुकूमत में आए हैं वो मैंडेट पे ढाका डाल के आए हैं, हम आपको आप हमारे हकीकी नुमाइंदे नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात, अगर आप हुकूमत में आ भी गए, हम पिछले 30 सालों से देख रहे हैं कि आपकी पार्टी और नून लीग आपस में अदला बदला खेल रहे हैं, एक आता है दूसरा जाता है, इन्होंने कभी भी मतलब इस तरह की मुल्क को कर्जे के अंदर डबोते चले गए हैं। अब आप हमें बताएंगे अगर आप बाय चांस आ भी गए हैं हमारे मैंडेट पे ढाका डाल के, तो आप ऐसा कौन सा तीर मार लेंगे कि आपने जो 30 साल में नहीं मारे? जहाँ तक मेरे दोस्त ने बात की, हम कोई तीर कमान वाले जमाने में नहीं है, तलवार वाले जमाने में कोई तीर नहीं मारेंगे। हमारे पास सिंध में और बलोचिस्तान में हुकूमत है, हमारी कोशिश होगी कि हम डिलीवर करें, अवाम की खिदमत करें। पीटीआई के पास केपी में हुकूमत है, वो कोशिश करेंगे कि वो डिलीवर करें। इस तरह पंजाब में पीएमएलएम के पास हुकूमत है, वो कोशिश करेंगे डिलीवर करेंगे। जहां तक बातें होती हैं कि आपने कर्जों में डुबो लिया, आप कभी स्वीपिंग स्टेटमेंट दिया करें। हक तो यह है कि इस कौम को यह बताना चाहिए कि इस मुल्क में कितने हुकूमतें आई हैं, कितने कर्जे लिए गए हैं, किस दौर में वापस किए गए और क्या कुछ किया है। अब मैं अगर बोलूं कि मैं पिछले 9 साल में खैबर पख्तूनख्वा में जितने कर्जे दिए तारीफ में नहीं लिए गए। तो दोस्तों, कैसे इस नौजवान ने बरमला इन अल्फाज का इस्तेमाल किया और सारी चीज़ को बेनकाब करके रख दिया कि अवाम असल में किस सोच के साथ अब इन लोगों के साथ डील कर रही है। अवाम खड़ी है जिसके साथ, वो आज जेल में है, जो जीत कर आया है आगे, जिसे इक्तदार मिलना चाहिए उससे इक्तदार छीन लिया गया है, लेकिन अवाम के दिलों से शायद उसे निकाला नहीं जा सकता। अवाम शायद उसी के साथ अभी तक खड़ी नजर आती है। आज की इस वीडियो पर आप ज़रूर आ रहा दीजिएगा, शेयर भी कीजिए, इसे सब्सक्राइब करना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें।